झारखंड चुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। दुमका सीट से भाई बसंत सोरेन कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने राजमहल सीट से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, लाला से रविंद्रनाथ महतो को टिकट दिया है। साथ ही मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ से उदय शंकर सिंह, गिरिडीह से सुदिव्य कुमार, डुमरी से बेबी देवी, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक, टूंटी से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया है। इसके अलावा बहरा गोड़ा से समीर मोहंती, घाटशिला से रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार और जुगल सलाई से मंगल कालिंदी को टिकट दिया है। वहीं ईचागढ़ से सबिता महतो, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मझगांव से निरल पूर्ति, मनोहरपुर से जगत मांझी को उम्मीदवार बनाया है। खरसावा से दशरथ गागराई, तमाड़ से विकास मुंडा, तोरपा से सुदीप गुड़िया, कुमला से भूषण तीरकी, लातेहार से बैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जमुआ से केदार हाजरा, भवरनाथपुरा से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्रा, सिल्ली से अमित महतो, बरकट्ठा से जानकी यादव, धनवार से निजामुद्दीन अंसारी और लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में कुल मतदाता की संख्या 2,55,18,642 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,97,325 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,25,20,910 है, यानी महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने लिस्ट जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को धनवार से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को, तो वहीं रामगढ़ से ममता देवी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट दिया है।